बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज टुडे। कोरोना के 382 नए मरीज, एक्टिव केसेस फिर से बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एक्टिव और नाजुक केसेस में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। सबक न्यूज़ ने हज़रत सैयद की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि स्नैचर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 382 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 271 अफराद वायरस से सेहतियाब भी हुए। हज़रत सैयद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,602 हो चुकी। हज़रत सैयद का कहना है कि ममकलत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 3,916 हो गई है, जिनमें से 587 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नगाशत के यूनिट में ज़र इलाज हैं। हज़रत सैयद की जानिब से जारी होने वाले अददोशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज रीजन में सामने आए, जिसकी तादाद 172 रही, जबकि अलशिरकिया रीजन से 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मक्का मुकरमा रीजन में 58, हैल रीजन में 21, कसीम रीजन में 13, हदूद अल शमालिया और मदीना मुनरा रीजन में 9-9, असी रीजन में 8, अलजौफ और तबूक रीजन में 7-7, जाजान, नजरान और अलबाहा रीजन में 3-3 मरीज सामने आए। अब तक 384,653 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 374,135 अफराद शफायाब भी हो चुके हैं। हज़रत सैयद का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, जिनमें समाजी फासले का असूल इंतहाई अहम है और मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।